खोयुद्धम बन के काल ये रुद्रम आसमान जमीन पर जाए कम ये दिखाएगा ऐसा दम धर्म पे चलता इसकी शक्ति कर्म है इसका योद्धम ऐसा है ये वीरम शौर्य पराक्रम का है संगम धर्म पे चलता इसकी शक्ति कर्म है इसका योद्धम ऐसा है ये वीरम वीरम शौर्य पराक्रम का ये पहले ही कहा था हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी चलता शोलों जैसा धक धकाता कोई बच न पाता इससे जो भिड़ता हो जाता ये है यहाँ के नए कलेक्टर साहब और ये है नए एसपी एलेक्स सिंह सा जीता है जो बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं हम एक भी पैसा बाहर नहीं निकाल सके अभी चला देखो युद्धम बन के काल ये रुद्रम आसमान जमीन पर जाए कब ये दिखाएगा ऐसा दम धर्म पे चलता इसकी हाँ ठीक है जल्द से जल्द अगली फ्लाइट कौन सी है वो बुक कर लो हाँ ठीक है भैया टिकट तो हो जाएगी लेकिन हम यहाँ से चले गए तो देखो हम यहाँ से हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं बहुत जल्द वापस आ जाएंगे युद्ध नीति कहती है अगर अपना पक्ष कमजोर हो तो मैदान छोड़कर निकल जाना चाहिए उसी में बुद्धिमानी है सर कोर्ट का ऑर्डर है केस खत्म होने तक आप में से कोई भी देश छोड़कर नहीं जाएगा तो हम बंगलुरु चलते हैं अद्भुत इसमें शक्ति है भाई राम जैसी इसमें शक्ति है भाई मानवता जिए इसके लिए पापी को मिटाने की कसम है खाई झूठ से बुराई से है इसकी लड़ाई सूरज जैसी है इसकी सच्चाई सच का हमेशा है बिल्लरी में हमारे ऑफिस और घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डाली है रेड सच के सिवा जाने कुछ ना सच है जितनी जल्दी हो सके हमें शहर छोड़ना होगा वरना हमारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा अरे ये क्या पुलिस कहाँ जा रहे हो कुछ नहीं बस लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो फिर ये क्या है एयरपोर्ट पे नाकाबंदी कर दी तो ट्रेन से भागने की सोच रहे हो चलो बाहर निकलो गाड़ी सर्च करनी है सर ये किसकी है किसकी है ये मेरी है ये कह रहे हैं अंदर डालो हाँ चलो क्या बात है एसपी साहब बहुत ही बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं आप तो वेपन मिला है अरेस्ट करना होगा चलता इसकी शक्ति कर्म है इसका योद्धम ऐसा है ये वीरम शौर्य पराक्रम का है कौन है यहाँ भार्गवुन्नी मैं हूँ क्या बात है आपके नाम का अरेस्ट वारंट है आपने जिस बेल के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गई है आपको अरेस्ट करने के लिए नया ऑर्डर है चलिए करता है ये उसका कहना मानने में ही भलाई है हमारी उसने हमारी वो हालत कर दी है कि बेलारी जाने का पैसा भी नहीं बचा नहीं वो मुझसे कभी नहीं जीत सकता उसे तो मैं जरूर मारूंगा अपने पिताजी को याद करके अपनी उंगली से इसे निकाल दो कार्य संपन्न हुआ नहीं पंडित जी एक काम और बाकी है अभी जगह ढूंढ लिया उन दोनों को कुछ पता नहीं चला चारों का हाँ मैंने उनके सारे ठिकाने पर केविन सर के साथ मिलकर छानबीन कर ली लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला लगता है डर के भाग गए इम्पॉसिबल मुझे ऐसा नहीं लगता हमने हर जगह इतना कड़ा पहरा लगाया हुआ है कि भाग नहीं सकते वो इसका मतलब वो यहीं कहीं छुपा बैठा है उसे ढूंढ निकालना होगा बच के भाग गए वो लोग जो हुआ वो अच्छा ही हुआ अब किसी से भी कोई लेना देना नहीं तुम्हारे पिताजी जो चाहते थे सब वैसा ही हुआ अब सब भूल जाओ बस ध्यान रखो कि वो लौट कर यहाँ ना आए ऊपर वाला सब अच्छा करेगा ये लोग साहब की जगह के लिए बात करने आए हैं कैसी जगह आपके पिताजी चंद्रगिरी के मंदिर के सारे फैसले लिया करते थे उनके जाने के बाद वो जगह खाली पड़ी हुई है आप वो जगह ले ले नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं भी आप जैसे एक आम इंसान हूँ देखिए मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे कोई पद दें कोई ओहदा दें ऐसा मत कहो बेटा जो होना था वो तो हो चुका है
अब उत्सव की तैयारी करनी है और साथ ही मंदिर का जीर्णोद्धार भी करना है, तो उसके लिए आपकी सहायता चाहिए होगी हमें। अच्छा ये बात है, पापा के जाने के बाद ही मैंने साफ कह दिया था कि कोई बदलाव नहीं होगा, आपको जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी। शंकर मामा, हमें देखिए इन लोगों की जरूरत नहीं है, इन सब लोगों को बस एक नायक चाहिए। जी वही, आपके पिताजी ने जो काम शुरू किए वो सब कहीं न कहीं अटके पड़े हैं, अब वो काम तभी पूरा होने की संभावना है जबकि आप वो जगह संभाल लें। इस सब के लिए तुम्हारा मानना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा इनकी बात तो मान लो। शंकर मामा, इस जमाने में ये सब बातें कोई भी मायने नहीं रखती हैं। इसकी जरूरत नहीं, भगवान का कार्य है, अच्छे से ही होगा। नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा, मालिक अगर होते तो वो भी यही चाहते, तुम्हें पंडित से मिलना ही होगा। कुंडली के हिसाब से चंद्रगिरी में ये उत्सव करना सबके लिए अच्छा होगा। चूंकि अब माधव नहीं है इसीलिए अजय को हम उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। आने वाले जो 5 दिन हैं वो उत्सव के लिए शुभ हैं और इनके लिए लाभप्रद हैं। और मेरे हिसाब से सिंहासन पर बैठने के लिए सबसे पवित्र समय है। ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, आज भी आप अंधविश्वास मानते हैं? आज का दौर पहले से बहुत ही अलग हो चुका है पंडित जी, क्या ये वाकई जरूरी है? हर एक कार्य के पीछे एक ना एक लक्ष्य अवश्य होता है, ये अच्छी तरह समझ लो कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उससे हमारी और हमारे समाज की अच्छाई बुराई जुड़ी होती है। मनुष्य शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है। खजाने में हाथ डालने से जिस तरह धन की प्राप्ति होती है उसी तरह यदि ज्ञान रूपी गंगा में तैरा जाए तो तन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। शास्त्र में ये बातें बहुत शोध करके लिखी गई हैं। शास्त्रों के माध्यम से हमने बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं। हाथी के जो ये 4 पैर हैं, ये 4 वेदों के प्रतीक हैं। हाथी का मस्तिष्क 5 भूतों का प्रतीक है। ये सारा का सारा किसी न किसी चीज का प्रतीक है। इनके दांत सूर्य का प्रतीक है और कान इंद्र का स्वरूप माना जाता है। पार्वती और परमेश्वर के स्वरूप इस महान विशाल हाथी के प्रदक्षिण करने से सबको शांति और सफलता प्राप्त होती है। सर्व ऐश्वर्य सिद्धि के लिए सहस्त्र स्नान करें। स्नान पूरा हुआ तो अब क्या करना है मुझे? स्नान पूर्ण हो गया, अब समय आ गया है कि आप नए वस्त्र धारण करें। सभी का जन्म शूद्र वृत्ति से होता है। मनुष्य अपने गुणों और कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य का कुल प्राप्त करता है। ये ज्ञान इसलिए ताकि तुम अपने साथ होने वाले सभी संस्कारों को समझ लो। ला शिव जी के भूतों के प्रतीक है, लंबी उम्र और अपना अच्छा भविष्य प्राप्त करने के लिए इनसे प्रार्थना करो।
क्या चल रहा है यहाँ पर? तो क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे पाप कर दो, चलो यहाँ से। अत्याचार करने वालों का जवाब तुम्हें इस युद्ध में देना होगा। कर्तव्य पूरा करो। ये युद्ध नहीं है, यज्ञ है। ये अवश्य जीतोगे। मन में सच्चा ईश्वर बसा है तो उसकी जीत निश्चित है। और तुम तो एक नेक इंसान हो। शुद्धता तन में नहीं मन में धारण करना चाहिए। जाओ उसकी सहायता करो। तुम तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग गया हूं? जिस तरह तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचाया वैसे तुम्हें भी ऊपर पहुंचाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा। उसके लिए कोई भी कीमत चुकाऊंगा। तू मुझे नहीं रोक सकता। Thank you.
लगा कि मेरे पापा की तरह मुझे भी मार डालोगे। तुमने मेरे पिताजी की जान ली और मैं भी आज तुम्हें उसी जगह पहुंचाने वाला हूं। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी की जान बचाई और बदले में तुमने मेरे पिताजी की जान ले ली। बिना पिता के जीवन क्या होता है ये न तुम पहले जानते थे और न जान पाओगे। तुम्हारा जीवन बेकार है, उससे छुटकारा मैं दूंगा। नहीं, नहीं। पद्मनाभा, कुचल डालो इस पापी को।